नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को मिंटो पार्क घुमाने आए हैं। हमने इलाहाबाद के लगभग सभी पार्क आप लोगों को घुमा चुके हैं, लेकिन मिंटो पार्क के ऊपर एक भी वीडियो हमने नहीं बनाया था, जिसकी वजह से मैं आज मिंटो पार्क के ऊपर वीडियो बनाने आया हूँ। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि बहुत अच्छा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, छोटा सा पार्क है। ये देखिए सामने जो है टिकट घर है, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। वैसे हम लोगों को टिकट नहीं लेना पड़ता है, और क्योंकि यहाँ पर हम लोग आते जाते रहते हैं, इतना जान पहचान है कि टिकट की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को बता दें कि जब भी आप मिंटो गार्डन घूमने आइएगा तो ये जो है नैनी ब्रिज जो है नया वाला, जस्ट उसी के नीचे है। कभी आप नैनी ब्रिज आइएगा घूमने तो नीचे उसके मिंटो पार्क भी है, तो उसमें भी घूम कर आप जाइएगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पार्क में क्या है। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होगी इस पार्क में, मैं वीडियो काट काट कर आप लोगों को दिखाऊंगा। जब मैं पार्क के अंदर प्रवेश करता हूं तो बाहर आप लोगों को ये देखने को मिल जाएंगे, जानवर रखे हुए हैं। तो कुछ जानवर यहां पर बनाए हुए हैं, मैं आपको सभी जानवरों को दिखाता हूं। और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा जानवर देखने में लगा। ये देखिए गैंडा बना हुआ है, और जस्ट इसके बगल में यहाँ पर शेर बना हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं ये जानवर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये देखने में रियल भी लग रहा है। और धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को पूरा पार्क घुमाएंगे। बहुत छोटा पार्क है, और जब भी यहाँ आइए तो इस पार्क में ज़रूर घूमिए। यहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से इस पार्क की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा छाँव भी रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, बहुत सारे लोग आकर इस पार्क में पढ़ते भी हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ पर घुमाने भी आते हैं, जो सच्चाई लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ जो है वरुण भाई हैं, और यहाँ पर एक झूला बना हुआ है। ये जो बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैमरे में लगातार हम दिखा रहे हैं। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक डायनासोर दिखाई देता है, और डायनासोर जब हमने देखा तो अच्छा लगा, तो इसलिए हमने डायनासोर को भी अपने कैमरे में कैद कर लिए। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं, पूरी पार्क आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये देखिए झूला लगा हुआ है, जब भी कभी आइए तो इस झूले पर एक बार ज़रूर बैठिए, झूलिए, क्योंकि लोहे का है, टूटने का भी कोई डर नहीं है, मजबूत है। हम भी झूले थे, हमारे भाई वरुण झूल रहे थे। और जब दूसरे साइड हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पानी पीने का, अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ पर बहुत ही शीतल जल, बहुत ही ठंडा जल मिलता है, आप यहाँ आकर पानी भी पी सकते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि इस पार्क में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ छाँव रहता है। हम वीडियो बना रहे थे तो मुझे एक कुत्ता दिखा, और बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर कुत्ता लग रहा था, जिसकी वजह से मैं इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लिया। और ये देखिए मौसम भी अच्छा है, बादल आप देख सकते हैं किस तरह से बादल, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हवा भी चल रही है। यहाँ पे फिर से वही हमारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं। एक बार फिर से इन लोगों को हम अपने कैमरे में आप लोगों को दिखा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो कुछ और जानवर हमको देखने को मिलते हैं। देखिए तेंदुआ बना हुआ है, और इसके आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मगरमच्छ बना हुआ है, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। उसके बगल में और भी कोई जानवर बना हुआ है, इसके ऊपर से जो है घास फूस जम गया, जिसकी वजह से काफ़ी और ख़तरनाक देखने में लग रहा है। फिर धीरे धीरे हम आते हैं, यहाँ पर ढेर सारे बकुले बने हुए हैं, और यहाँ पर एक हिरन बना हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसे भी हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं मिंटो पार्क आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर कैंटीन है, अगर आपको कुछ खाना हो तो इस पार्क में आपको खाने की चीज़ भी मिल जाएंगी। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते तो ये देखिए बड़ा सा जो खंभा आपको दिख रहा है, ये जो है आपको नैनी ब्रिज से ही दिख जाएगा। मिंटो पार्क जस्ट उसी के नीचे हैं। अभी कैमरे के सामने, जब मैंने सामने कैमरा किया था तो आपको नैनी ब्रिज भी दिख रहा था। ये देखिए फिर से नैनी ब्रिज आप लोगों को दिख रहा है, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, जस्ट उसी के बगल में ये पार्क है, उसी के नीचे आप देखिए बादल कैसा है, बहुत अच्छा है। और पूरे पार्क में हम घूम घूम कर वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। और पिछले कई दिनों से
जो भी अच्छे अच्छे पार्क हैं लगातार मैं आप लोगों को घुमा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से ये सब वीडियो बनाते हैं, जाते हैं मेहनत करते हैं तब जाकर ये वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पर कुछ झूले भी लगे हुए हैं जिम उम करने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, मिंटो पार्क भी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।